लगता है कितना हिट ऑन होंगी ये जोड़ी? देखिए, नमित तो फर्स्ट पार्ट में मर गया, तो उसको जिंदा करना मुश्किल है. हमने कोशिश की उसको जिंदा करने की, लेकिन बेचारे को इतनी बेदर्दी से मारा था फर्स्ट पार्ट में कि उसका जिंदा होना मुश्किल था. लेकिन नमित ने काम बहुत अच्छा किया था फर्स्ट पार्ट में. लेकिन जब हमने ये 11 एपिसोड ट्विस्टेड वन के रिलीज़ किए थे, तो आर्यन माथुर का एक बड़ा सा फ़ैन क्लब बन गया. यार, आर्यन माथुर कमाल का CID इंस्पेक्टर है. और हमारे पास एक कहानी थी जिसमें आर्यन माथुर और आलिया मुखर्जी की एक एक जो कहते हैं ना कि टेंशन फिल्ड रिलेशनशिप हो सकती थी. तो हमने कहा क्यों ना इसे बनाए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से कई ज़्यादा ट्विस्टेड है ये. ओके, जाना चाहेंगे ट्विस्टेड वन के लिए, निया ही क्या आपकी फर्स्ट चॉइस थी? कास्टिंग, हाउ डिड यू ज़ीरो ऑन निया? मैंने निया की तस्वीरें देखी. ये एक्चुअली बड़ी अजीब सी कहानी है, बड़ी कमाल की कहानी है ये. मैं शूटिंग कर रहा था और मैं इंस्टाग्राम पे पहले कम जाया करता था, तो मैंने देखा कि ये लड़की है और लोग कह रहे हैं कि ये एशिया की थर्ड सेक्सी लड़की है. तो मैंने कहा देखते हैं कैसी लगती है. मैंने कहा लगती तो बड़ी अच्छी है. फिर कुछ रिसर्च करने में पता चला कि ये तो एक्टर हैं. फिर कोई और रिसर्च की, तो मैंने कहा क्यों ना इसे ट्विस्टेड के लिए लिया जाए, क्योंकि इसमें ये स्टाइल है, ये परफॉर्मेंस है. तो मैंने निया को मैसेज किया, उसने मैसेज किया ही नहीं वापस. फिर वापस मैसेज किया मैंने, तो उनको लगा कि मैं विक्रम भट्ट हूँ ही नहीं और मैं कोई बकवास आदमी हूँ जो उनका वक्त ख़राब कर रहा है और उनके साथ खेल रहा है. तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिस अपने चेहरे के साथ, जिसमें मैंने कहा निया जी, मैं विक्रम भट्ट बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो है, आप मुझे फ़ोन करेंगे प्लीज़. वो वीडियो भेजा तो उसने हंस के फ़ोन किया, शी सर आई एम वेरी सॉरी सर, मगर लोग ऐसा करते हैं. तो मैं कह रहा हूँ मैं समझता हूँ. फिर हम लोग मिले और कुछ 15 मिनट में उनको रोल पसंद आ गया और बस, बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है क्या हुआ. देखिए, फिल्म जो है ना वो अभी 110 साल पुरानी गेम हो चुकी है और ये अभी कुछ 3 साल पुरानी गेम है. तो जहाँ फिल्म है वहाँ OTT को आने में टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये है कि OTT में प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट हो रहा है. 1.5 साल पहले जब हम लोगों ने माया बनाई थी या ट्विस्टेड बनाई थी, जब हमने YouTube पे डाली थी, वो टाइम तो ऐप भी नहीं था हमारा, तब लोगों को लगा था कि हम बेवकूफ़ हैं, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है इसका, क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे. लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग ये काम करने लगे हैं, बड़े बड़े लोग इसमें चलने लगे हैं, क्योंकि थिएटर में जाना 4 घंटे लगते हैं आपको, आप घर छोड़ के थिएटर जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, देखते हैं, इंटरवल वापस घर आते हैं, वो 3.5-4 घंटे का पूरा प्रोग्राम बनता है. और वो प्रोग्राम बनता है थिएटर के टाइमिंग के हिसाब से, जिसके हम अपॉइंटमेंट व्यूइंग कहते हैं. यहाँ 20-25 मिनट का एक एपिसोड होता है, फ़ोन पे आता है, आपके घर पे आता है, रिडिक्युलसली लो प्राइस पे आता है. अब जब चाहें देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए वाईफाई भी नहीं चाहिए, आप ऑफिस में जाते हुए, रिक्शा में बैठते हुए कभी भी देख सकते हैं. तो OTT और फिल्म में फ़र्क ये है कि पहले फिल्म में मनोरंजन ऐसा है कि आपको मनोरंजन के पास जाना पड़ता है, OTT ये है कि मनोरंजन आपके पास आता है. तो ये सबसे बड़ा फर्क है. ये डिजिटल मीडिया में तो और भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमारा है, सेंसर बोर्ड का नहीं है. मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जब इंसान फ़ोन पे देखता है ना, तो वो कहानी देखने आता है. देखिए, आपके फ़ोन में आपके पास डेटा है, आप चाहे तो पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, आप चाहे अश्लील तस्वीरें देख सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं फ़ोन पर, आपको कोई रोक टोक नहीं है. तो उस माहौल में जब आप किसी कहानी को देखने आते हैं, तो आप कहानी देखने आते हैं. अगर आप VB ऑन द वेब पे आएंगे, मेरे OTT पे आएंगे, तो आप कहानी देखने आएंगे. फिर अगर मैं आपको गालियाँ भी सुनाऊँगा और मैं आपको सेक्स भी दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं यार, ये तो मैं फ्री में देख सकता हूँ, और मतलब आप तो कुछ आधा अधूरा सा दिखा रहे हैं, मैं तो पूरा का पूरा देख सकता हूँ. तो ये जो है, ये हमने फाइंड आउट किया है कि OTT पे लोग कहानियों के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, सेक्सुअलिटी के लिए नहीं आते, बैड वर्ड्स के लिए नहीं आते,
तो हम खुद ही सेंसर कर लेते हैं. और आजकल तो लोग जो है वो टेलीफोन से कास्ट करके अपने टेलीविजन पे देखते हैं, पूरी फैमिली देखती है साथ में. तो हम नहीं चाहते कि फैमिली को लगे कि यार ये साथ में देखने लायक नहीं है. तो ये जैसे मैं कहता हूँ ये सेल्फ सेंसरशिप है. मैं ट्विस्टेड टू के लिए ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि वीबी ऑन द वेब एक बहुत ही अलग कोशिश है ओटीटी की, जहाँ कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है. अनटचेबल्स ऑलरेडी ऐप पे है, ट्विस्टेड टू है, इसके बाद माया आएगी. आप एक टिकट खरीदिए और सारे एपिसोड आप देख सकते हैं. हमने आपके लिए टेलीफोन पे एक मल्टीप्लेक्स बनाया है जहाँ आप अपना शो टिकट लेके खरीद सकते हैं. और अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमारे शो को देखेंगे, हमारी टिकटें खरीदेंगे, तो हम और भी मनोरंजन आपके लिए लेके आ सकते हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो अच्छा लगेगा और आप सब आके देखेंगे. बहुत दिल से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, बहुत ही हसरतों के साथ और बहुत ही उम्मीदों के साथ बनाई है. सो ज़रूर देखिएगा. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कास्टिंग के टाइम, ये ट्विस्टेड वन की बात है. कास्टिंग के टाइम पे जब पूरी कास्ट लॉक हो गई थी, दे वर स्टिल सर्चिंग फॉर आर्यन माथुर. एंड 6-8 महीने पहले अनुपम से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी और उन्होंने बोला कि जब मैं अपनी ट्विस्टेड बनाऊँ ना, आई विल कास्ट यू. तो फिर अभी वो कास्टिंग की बात चली रही थी तो आई पिंग अनुपम एंड आई आस्क्ड हिम, यार यू टोल्ड मी 6-8 months अगो यू वॉन्टेड टू कास्ट मी, तो इट्स लाइक कम मीट मी एट द ऑफिस. एंड समहाउ यू नो आई एंड अप गेटिंग आर्यन माथुर रोल. And you know, from there it starts on to a different tangent, and you know, I was very happy doing it. But then they say, you know, let's do Twisted 2, let's take you in the lead. I was like, wow, let's do this. So, Twisted 2 ke bare mein baat kiya jaye to aap usme kya role karte hain? See, I in Twisted 1 I was a CID cop. I was an investigating officer. This one I have been. So we've taken a 3-year leap from Twisted 1. So for the past 3 years I've been ousted from the force. I've been an alcoholic and I'm still stuck on the Ranbir Raichand, Naina Raichand murder case. So, Nia Sharma ke saath kaam karke bahut maza aaya, itna maza aaya main kya bataun aapko. Nahi, but honestly, on a serious note, she's a brilliant co-actor. She gives you so much in a scene, you know, you don't really have to do much. Aap automatically scene mein better ho jate hain. Aur personally also, she's a very warm, very gentle, very kind human being. So, sabko bonding kaisa hai? बहुत अच्छा है, एक्चुअली मैं अच्छा है. नहीं, सीरियसली, यू आस्क हर, शी विल आल्सो से द सेम थिंग. बहुत अच्छा है, लाइक वेरी गुड बडीज. वेरी एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड. थोड़ा बुखार है तो आई एम सॉरी, इतना एक्साइटेड मैं साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. आई हैव बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 8 months. 8 months आई हैव जस्ट डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दिस वन प्रोजेक्ट. नाउ व्हेन इट कम्स आउट, इट यू नो, ऑब्वियसली यू आर एक्साइटेड. जी ज़रूर देखिए, प्लीज़ ज़रूर देखिए वीबी ऑन द वेब ऐप, जियो सिनेमा पे, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं. वॉच इट फॉर द स्टोरी, वॉच इट फॉर द डायरेक्शन, वॉच इट फॉर द सॉन्ग्स, वॉच इट फॉर निया एंड वॉच इट फॉर डिलनास.